हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोंट डोंट मस्कल। सॉरी काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया, थोड़ा बिजी था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें आपको अब दिखाने वाले हैं कि कैसे आपने अपने ड्रोन का रजिस्टर करना है। मैं अपना ड्रोन रजिस्टर करने वाला हूँ, मेरे पास माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है, DJI Mavic Air फर्स्ट जनरेशन वाला। अब मैं इसको रजिस्टर करूँगा, सारा फ्रेशली सब करूँगा, आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब जो वेबसाइट है बिल्कुल नई तरह से बनाई गई है, रिफ्रेश कर दी गई एकदम। जो पहले था उसमें बड़े लोचे थे, उसको आप इग्नोर करें। फ्रेशली मैं नया अकाउंट बना के सब कुछ नया करके आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। आप नए चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पे हम लेकर आते हैं ड्रोन सेलेक्ट सर्विस एंड ट्रैक विच आई यूज। तो जैसे ही आप डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म डालेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा वेबसाइट आती है, एंड ऑन दिस वेबसाइट आपने क्या करना है कि शुरू से करते हैं। मैं आपको यहाँ पर आपके US मॉडल आ रहे हैं, इशूड UN, आप देख सकते हैं इशूइंग शुरू हो गई है, मोबाइल एप्लीकेशन जल्द आ जाएगी, एंड ट्रेनिंग वगैरह इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल रीवैम्प्ड कर दी है वेबसाइट। तो आपने क्या क्लिक करना है, आई वॉन्ट टू यूज़ US, मतलब हमारा ड्रोन है, ठीक है, अनमैंड एयरक्राफ्ट या कुछ भी इसको कहें, तो यस साइन अप करें। आप कंपनी हैं या इंडिविजुअल हैं, हम इंडिविजुअल हैं। यहाँ पर आपने नाम डालना है, सब डालना है, वो मैं डाल के आपको नेक्स्ट शॉट में बताता हूँ क्या करना है। तो जैसे ही आप सब कुछ भर लेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर में आ जाएगा क्रिएट अकाउंट। आपने भरना क्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड वगैरह। क्रिएट अकाउंट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, आई एग्री, कॉन्टिन्यू। जैसे आप कॉन्टिन्यू करेंगे आपका जो है एक OTP नंबर आएगा, उसको आप डालोगे और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही आप वो सब लॉगिन वगैरह, पासवर्ड वगैरह, सब कैप्चा वगैरह डालोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कनेक्शन अकाउंट क्रिएटेड, यस, क्रिएट प्रोफाइल, यहाँ पर आपने क्रिएट प्रोफाइल करनी है, एंड फिर कंटिन्यू करें। ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ आपने डन, ये पासवर्ड के बिना नहीं ले रहा है इसको। चूज आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, योर सिलेक्शन कैन नॉट बी चेंज। तो तीनों ही सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं, इनमें से अगर बस तीनों में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है देन यू कैन नॉट क्रिएट प्रोफाइल। आप अपना डिटेल्स टैन से डाल लेते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपके पास ये आ जाता है कॉलम कि ये मेरा सीरियल नंबर अपने आप आ जाएगा, सीरियल नंबर, मैनुफैक्चर डेट आ जाएगी, ये सब आपने डालना है। उसके बाद आपने करना है सबमिट। आगे करो कंटिन्यू। सी नंबर एडिट सक्सेसफुली, तो ये आपका जो ड्रोन है ऐड हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, अब इस प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो UAN नंबर आपको मिल सकता है, आपको मिल रहा है, मैंने भी अपना अप्लाई कर दिया है, बस फीस पेमेंट रह गई है, वो थोड़ा ट्रांजेक्शन में। इनका एक नया पोर्टल है जो कि जिसमें हम करते हैं ना पेमेंट मैकेनिज्म, या एक वेबसाइट जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, वो इनका है भारत कोश, तो वो लगता है हैंग हो रहा है, तो वहाँ पे 100 रुपये की पेमेंट है, उसके बाद UAN नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपने करना क्या है, बेसिकली इसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास सबसे पहले डैन होना चाहिए, डैन मतलब जो पहले आपने लिस्टिंग कराई होगी ड्रोन की, तो वो आपके पास नंबर रेडी होना चाहिए, और उसमें कोई डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डिटेल उसमें कुछ गलत है, मतलब टाइप ऑफ ड्रोन वहाँ पर नैनो डाल दिया, आपका असल में माइक्रो कैटेगरी ड्रोन है, तो वो मिसमैच हो रहा है, तब आपके आगे फर्दर स्टेप में नहीं जा सकेंगे। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपसे हो गया है बाय डिफॉल्ट, या गलती से आपने वहाँ नैनो भर दिया लिस्टिंग के दौरान, और आपका ड्रोन जो है वो माइक्रो कैटेगरी है, तो वो क्या करें, तो आप उस केस में ये कर सकते हैं कि आप वो आप जो चीज़ है दोबारा से इनलिस्टिंग कर दें अपने ड्रोन की, और वो फिर एक नया डैन नंबर आपका जनरेट होगा, उस डैन के बेसिस के ऊपर यू कैन डू दैट। ठीक है, काशू बोलो मैं 2 मिनट। तो फिर से आप नया डैन जनरेट कर लें, एंड फिर वो डैन आप इसमें यूज़ करें, और यूटिलाइज करने के बाद जैसे जैसे मैंने आपको वीडियोस बताया, स्टेप्स बताए हैं, बहुत इजी तरीका है, वहाँ पर आपने जाना है और अपने आपकी इन्वेस्टिंग करनी है। फाइनल स्टेप में आपके पास क्या आएगा, आपका जब डैन मैच हो गया आपके यूएस के मतलब यूएस नंबर के साथ, तब आपने जाना है इस स्टेप के ऊपर, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आपकी पहले प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, ये तभी क्रिएट होगी जब आप सारे आईडी उसमें डाल देंगे। 3 ID डालने हैं, तीनों आपने डालने हैं, जो आपके पास अवेलेबल नहीं है उसमें आप PDF एक बनाएं और उसमें लिख दें नॉट अवेलेबल। जैसे मेरे पास अभी पासपोर्ट अवेलेबल नहीं था, तो मैंने बाकी 2 उसमें डाल दिए, पासपोर्ट नहीं था, तो डन हो गया। ठीक है, अब बाकी उसके बाद जैसे प्रोफाइल क्रिएट होगी, आपने UAN नंबर को अपने बेसिकली जो यूनिक आपका जो है ड्रोन ऐड करना है, ऐड आपका ड्रोन यहाँ से होगा अगर आपका ड्रोन एडिड नहीं है। जैसे ही आपका ड्रोन ऐड हो जाएगा तो आपका यहाँ लिस्ट में आ जाएगा, जैसे मेरा आ गया है। मेरे में भी कुछ प्रॉब्लम थी कि वो नैनो गलती से हो गया था, वो मैंने सारा दोबारा से डैन दोबारा बना के मैवी केयर माइक्रो कैटेगरी भरा, सारा कुछ किया, अब बस मेरा सारा कुछ रेडी हो चुका है, सिर्फ मुझे पेमेंट करनी है, मेक पेमेंट। ये मेरा एप्लीकेशन ID आपके सामने है, 100 रुपये की फ़ीस लगेगी, और ये भारत कोश वेबसाइट है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पेमेंट के लिए ऑनलाइन। अब ये इनकी या तो हैंग हो रहा है या कुछ इशू है, तो जो मैं ट्राई कर रहा हूँ तो पेमेंट नहीं हो रही, ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रही, मतलब बैंक से लिंक के जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं हो रही। जैसे ही आपका ये ट्रांजेक्शन होगा, आपका UAN नंबर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद जस्ट आपने फिर फ्लाइट प्लान क्रिएट करना है, वो नेक्स्ट स्टेप मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसमें जो खास बात ये थी कि जो काफ़ी मुश्किल लग सकती है लोगों को, वो है आधार कार्ड कैसे इसमें डालना है। तो उसमें ज़्यादा तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, आधार कार्ड बेसिकली आपका मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड होना चाहिए, और एक ऑफलाइन मोड प्रूफ आता है आधार कार्ड का, वो आपने जाना है आधार के ऊपर जब आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो वो अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा वो क्रिएट कैसे करना है। फाइल XML फाइल आएगी आधार की वेबसाइट पे जाके, वो फिर आपने यहाँ अपलोड करनी है और पासकोड डालना है, वो जो आप खुद बनाएंगे। तो वो जो स्टेप है, अगर आधार वाला किसी को समझ नहीं आ रहा है, वैसे तो इजी स्टेप है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, वो अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि UAN नंबर लेने के लिए कैसे करना है। ठीक है, तो ये था सारा वीडियो, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एंड सून हमें इसकी मोबाइल ऐप भी मिल जाएगी, अभी आपको यहाँ पर जाकर ही मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था वीडियो हाउ टू गेट योर UAN नंबर, ये बहुत ज़रूरी है इंडिया में प्रॉपरली लीगल तरह से ड्रोन उड़ाने के लिए। तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया, मैंने भी अपना अप्लाई कर दिया, मैंने ये कहा था कि जब मैं अप्लाई करूंगा तभी वीडियो बनाऊंगा, अब मैं अप्लाई कर चुका हूं, सिर्फ मेरी पेमेंट पेंडिंग है। वो किस लिए पेंडिंग हो रही है, 100 रुपये की पेमेंट, क्योंकि उनका जो सिस्टम है सर्विस प्रोवाइडर उसमें प्रॉब्लम है। जैसे ही वो ठीक होगा मेरे पास मैसेज आएगा, मैं 100 रुपये पेमेंट कर दूंगा और मेरा UAN नंबर मिल जाएगा, और काफ़ी लोगों को मिलना शुरू हो गया है। तो आइए जाइए अभी अपना UAN नंबर जरूर लीजिए। थैंक यू। कोई भी सवाल इससे रिलेटेड आपको ना पता लग रहा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक चीज़ इसमें और है, सबसे इम्पॉर्टेंट GST नंबर और इनवॉइस का वो मांगते हैं, उसके बिना प्रोसेस नहीं होगा। वो कैसे मैंने किया,
मैंने उसमें डाल दिया पीडीएफ, एक वर्ड फाइल में लिख दिया पीडीएफ में नॉट अवेलेबल, मतलब किसी के पास अवेलेबल नहीं है डीजे का या शोरूम में जो हमें जीएसटी का काट के देगा कोई। तो ये तरीका ऐसे है कि एक पेपर में लिख दें, टाइप कर दें नॉट अवेलेबल और फिर उसका पीडीएफ बना दें, वो पीडीएफ बना के आप वहां पर अपलोड कर दें और जहां नंबर डालना है जीएसटी वाला कैसे कटा वहां पे लिख दीजिए नॉट अप्लीकेबल। ये स्टेप है, जैसे ये करेंगे वो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका नेक्स्ट स्टेप पेमेंट वाले पे वो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।